हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो है अपने सेशन को कवर करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्ट ऑफ स्पीच सो यहाँ से जो है आपके ग्रामर की जर्नी स्टार्ट होने वाली है सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या इन सब के बारे में जो है आज इस सेशन में हम कवर करेंगे सो इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग द इंट्रोडक्शन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कि कैसे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट वी विल डिस्क प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो है कि सोल्व किया जा सकता है एंड लास्ट बन नाउट द लीस्ट जो भी पूरा सेशन में हमने कराया है उसका हम एक रिविजन लेंगे जाते जाते ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया दॉपिक uh, जो है हमारा वो क्या है पार्टस ऑफ स्पीच है राइट <coughs> right? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए बेसिकली क्या है जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं नाउम प्रो एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रन ऑन इंटरजेक्शन ये सब क्या है ये सब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ठीक है अब इनको हम अच्छे से समझेंगे उससे पहले एक चीज जो है आप अगर समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा जो है बेटर रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है उसका नाम क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट तो पार्ट्स क्या हुआ हिस्सा ठीक है ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के हिस्से राइट right. तो उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अब क्वेश्चन है कि स्पीच क्या होता है स्पीच क्या होता है स्पीच इज एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स जो भी आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं ठीक है जो भी आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स होती है उनके एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं स्पीच कहते हैं राइट right? और लैंग्वेज का यही काम होता है राइट right? हम लैंग्वेज का यूज करते हैं किस चीज के लिए अपने थॉट्स को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए राइट right? हमें कैसा महसूस हो रहा है हमारे मन में कैसे विचार है उनको व्यक्त करने के लिए जो है हम लैंग्वेज का भाषा का जो है यूज करते हैं राइट right? अब जो ये एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स होती है ना बेटा इसका जो एक्सप्रेशन आप करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में करते हैं राइट right? <coughs> किसकी फॉर्म में करते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाहर जा रहा हूँ एंड कल मेरा एग्ज़ाम है ये सब जो भी हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स है या मुझे बुरा लग रहा है मुझे ठंड लग रही है एंड ऑल ये सब क्या है हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स है और हम इन्हें किसके थ्रू जो है व्यक्त करते हैं सेंटेंसेस के थ्रू व्यक्त करते हैं राइट right? अब मैंने कुछ जो है जैसे कि सेंटेंसेस फ्रेम भी किए हम कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो इंग्लिश में देख लेते हैं जैसे कि हुआ रोहन is playing फुटबॉल तो so, यहां पर हमने जो है अपने विचारों को व्यक्त करा राइट हम किसी को जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं यहां पर सेंटेंस के थ्रू ठीक है अब यहां पर इस सेंटेंस में ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज हुआ है ठीक है कुछ पर्टिकुलर चीजों का यूज हुआ है जैसे कि रोहन है ठीक है रोहन यहां पर क्या है नाउन है ठीक है इज प्लेइंग बेटा क्या हुआ दैट इज अ वर्ब राइट एंड यहां पर जो फुटबॉल वर्ड है ये क्या है दैट इज ऑल्सो नाउन राइट अब यहां पर देखिए जो काम किया जा रहा है सेंटेंस में जिस चीज की बात हो रही है राइट वो जो है इस काम को कंप्लीट करने वाला कौन है कौन जो है खेलने का काम कर रहा है दैट इज रोहन राइट तो किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी तरह का काम हो रहा है तो उसको जो भी करने वाला होगा यानी कि करता होगा वो आपका क्या होता है हिंदी में सॉरी इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं ठीक है चेके? अब यहां पर जो ये एक्शन हुआ या किसी भी तरह का जो कार्य हुआ ठीक है या मैं कहूं क्रिया जो हुई उसे हम क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं राइट right. क्या बोला वर्ब ठीक है अब नेक्स्ट क्या है फुटबॉल अब देखिए यहां पर ना क्या बोला गया रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल अगर ये सेंटेंस होता रोहन इज प्लेइंग राइट right? तो ये इनकम्प्लीट हुआ यहां पर जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो कम्प्लीट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए कि वो क्या खेल रहा है फुटबॉल राइट right? तो जो किसी वर्ब के, किसी क्रिया के के क्रिया क्या का उत्तर देता है ठीक है या कहा का उत्तर देता है उसे आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं ठीक है ठेके? हम उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है कि एक हुआ कर्ता एक है क्रिया कर्ता को हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं क्रिया यानी कि किसी भी तरह का अगर एक्शन हो रहा है तो वो क्या हुआ वर्ब हुआ राइट एंड जो चीज या जो शब्द वर्ब के क्या या कहा ठीक है वेयर एंड व्हाट का आंसर देता है उसे हम क्या कहते हैं आप English language का कोई भी आप sentence देख लेना, उसका जो सीक्वेंस बनेगा ठीक है? अब ये जो सीक्वेंस है ठीक है हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होगा हिंदी में क्या होता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है एंड वर्ब बाद में चला जाता है जैसे कि रोहन फुटबॉल खेल रहा है ठीक है तो खेल रहा है एस वो तो वो लास्ट में आया अब लैंग्वेजेस में जो है ये वर्ड ऑफ ऑर्डर जो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया इसे हम क्या कहते हैं वी कॉल इट वर्ड ऑफ ऑर्डर तो ये जो वर्ड ऑफ ऑर्डर है दैट कैन बी डिफरेंट ठीक है तो यहां से जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आई है इंग्लिश की दैट इज वर्ड ऑफ ऑर्डर अब वर्ड ऑफ ऑर्डर का बेटा आपको यूज ना बार-बार देखने को मिलेगा डिफरेंट टॉपिक्स में ठीक है टेंसिस में भी जो है आपको इसका यूज देखने को मिलेगा सो दैट्स व्हाई ये जो वर्ड ऑफ ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ इसको जो है आपको ध्यान रखना है ठीक है वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो इस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं एंड सीक्वेंस क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट वर्ड ऑफ ऑर्डर ठीक है अब देखिए एग्जाम्पल जैसे यहां पर हम देखें तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये क्या है हमारा सब्जेक्ट एक नाउन है ठीक है और ऑब्जेक्ट भी क्या है एक नाउन है राइट तो ये जो आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर है इसमें आपका जो सब्जेक्ट रहेगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा एक नाउन रहेगा ठीक है कोई भी आप एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा नाउन रहेगा ठीक है तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप देखें कि किसी भी तरह का कोई एक्शन करने वाला नाउन है तो वो नाउन जो है आपका क्या कंसिडर किया जाएगा एक सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा ठीक है तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं टॉपिक हमारा है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच राइट हमें समझ में आ गया कि हमारे सेंटेंसेस में जो है नाउन की कुछ इम्पोर्टेंस है राइट right? वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंस है अब ये यहां तक सीमित नहीं है इसके अलावा भी बहुत कुछ बहुत वर्ड्स जो है आपके सेंटेंसेस में यूज किए जा सकते हैं और ये जो वर्ड्स हैं ये इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं और ये जो कैटेगरी आपकी होती है ये आठ कैटेगरीज होती हैं ठीक है इन आठ कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है speech, तो वी हैव एट पार्ट ऑफ स्पीच पहला है नाउन ठीक है दूसरा है प्रोनाउन ठीक है थर्ड है वर्ब Fourth one is adverb. Fifth, uh, fifth आपका है इंटरजेक्शन ठीक है तो ये जो कैटेगरीज है ठीक है इन्हीं कैटेगरीज के शब्दों को यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं एंड दीज आर नॉन एज व्हाट दीज आर नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच सो वर्ड्स आर डिडेड इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास ठीक है जो भी सेंटेंसिस में हम अपने वर्ड्स का यूज करते हैं उनको हम एक अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं वी कॉल दम पार्ट्स ऑफ स्पीच सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सबसे पहले वाले पार्ट ऑफ स्पीच से दैट इज नाउंस ठीक है तो नाउस देखिए बेसिकली क्या होती है जो ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है या यूनिवर्स जो है ठीक है इसमें जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर की गई और जितनी आगे की जाएगी जितनी अभी एक्सप्लोर की जा रही है उन चीजों का कुछ ना कुछ नाम जो है हमेशा रखा जाता है राइट right? अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडीज है कि सो एंड सो जो है एक सन जैसा जो है स्टार मिला है राइट right? सेलेस्टियल बॉडी जो है हम उसे कंसिडर करेंगे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता राइट right? तो उनका कुछ ना कुछ जो है नाम रखा जाता है राइट right? जैसे कि आप जब इस धरती पर आए तो आपका कुछ नाम रखा गया राइट right? आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम तो कोर्स रखा ही गया है राइट right? लाइट्स हो सकती है फैंस हो सकते हैं डोर्स हो सकते हैं वॉल हो सकती है टेबल हो सकती है चेयर हो सकती है राइट right? आपका खुद का नाम हो गया आपके पेरेंट्स का नाम हो गया दीज ऑल जो वर्ड्स इनको नाम देने के लिए जो जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वी कॉल देम नाउंस ठीक है जैसे कि ये ये क्या है? राइट right? हमें इसका यूज करना है या किसी से आपने पूछा कि मुझे ये दे दो अब ये क्या कुछ भी हो सकता है राइट right? तो इसका पर्टिकुलर नाम रखा गया कि मुझे पेन दे दो राइट right? स्पेक्टिकल्स दे दो तो हर एक चीज का नाम रखा गया ताकि चीजों को डिनोट करने में आसानी हो तो जिन शब्दों का हम यूज करते हैं जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं किसी चीज को नाम देने में तो उन्हें हम क्या कहते हैं वी कॉल दम नाउन्स और यही वजह है कि नाउंस को जो है हम क्या बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं ठीक है नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं तो नाउन इज अ वर्ड Used as the name of a person, किसी पर्सन person का नाम हो गया जैसे कि रितु ठीक है इसमें हो सकता है काव हो गया या डॉग हो गया जो भी राइट right? सो so, ये सब चीजें जो है जो ये शब्द मैंने यूज किए नाम देने के लिए ये सब क्या है नाउन्स है ठीक है तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं इन सेंटेंसेस में नाउन्स को राइट right? अब यहाँ पर देखिए जो अकबर वर्ड है ठीक है ये किसी पर्सन का नाम है राइट right? अकबर जो था एक मुगल एम्पायर था राइट right? और उसका नाम अकबर उसके घर वालों ने रखा राइट right? तो ये यह यहां पर जो अकबर वर्ड है दैट इज वर्ड दैट इज अउन नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर जो है कोलकाता वर्ड यूज किया गया दैट इज ए नाउन इसके अलावा कोई है नदी का नाम यहां पर दिया गया है दैट इज हुगली राइट नेक्स्ट है द रोज स्मेल्स स्वीट ठीक है तो यहाँ पर रोज जो है एक चीज का नाम है राइट right? चीज का नाम है रोज दैट इज ऑल्सो नाउन नेक्स्ट है द सन शाइन्स ब्राइट जो सूरज है वो कैसे शाइन कर रहा है ब्राइट शाइन कर रहा है राइट right? तो यहाँ पर सन जो है वो क्या हुआ नाउन हुआ ठीक है अब जितनी भी सेंटेंसेस सेंटें इनमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन का नाम या प्लेस का नाम या चीज का नाम ये सब क्या है दीज आर नाउंस ठीक है अब ये सब तो हमने जान लिया क्या इसके अलावा भी कोई और यहाँ पर नाउन हो सकते हैं एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर पोजिशन को शो करने के लिए भी जो है जो क्या चीज है वो हम आगे अच्छे से समझेंगे तो उसके लिए भी जो है इसका यूज किया जा सकता है राइट right? अब यहां पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग ठीक है वॉस क्या है यहां पर दैट इज अ वर्ब ठीक है ये क्या है वर्ब है अब यहां पर बात किया गया कि अकबर वॉस क्या था एक राजा था राइट right? तो क्या का यहां पर आंसर कर रहा है क्या का यहां पर आंसर आ रहा है तो ग्रेट किंग यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या हुआ अकबर एंड वी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा नाउन होगा राइट right? तो यहां पर ये यह जो ग्रेट किंग वर्ड है ना बेटा ये क्या है एक नाउन है ठीक है हमेशा नाउन कंसिडर किया जाएगा एज ऑब्जेक्ट सो जो किंग वर्ड है किंग जो वर्ड है दैट इज नाउन दैट इज दैट इज एन ऑब्जेक्ट ठीक है यहां पर ग्रेट वर्ड का यूज किया गया है ग्रेट जो है उस राजा की विशेषता को बता रहा है सो so, एक नाउन को ये एक्सप्रेस कर रहा है तो so, यहाँ पर ग्रेट वर्ड जो है ये नाउन नहीं है बल्कि नाउन की आ, नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा राजा था ठीक है क्या वो कायर था क्या वो महान था राइट right? तो ग्रेट वर्ड का यूज किया गया है अब ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे बट अगर अभी आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर जो है बता सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली ठीक है एक और जो चीज है एक और जो पहचान आप कर सकते हैं नाउन की दैट इज द यूज ऑफ आर्टिकल्स हमेशा आप ध्यान रखना कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल आर्टिकल्स का यूज जो है हम किन के लिए करते हैं हमेशा नाउन्स के लिए करते हैं और किसी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है बट कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं वो भी सर्टेन कंडीशन क्या है अभी हम जानेंगे तो यहाँ पर देखिए ओ यहाँ पर आर्टिकल है आर्टिकल आपके जो है तीन तरह के होते हैं दैट इज एंड एन द राइट right. तो यहाँ पर जो आर्टिकल ए है दैट हैज बीन यूज फॉर द नाउन किंग बट आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो ग्रेट लिखा हुआ है ग्रेट के आगे ग्रेट तो नाउन नहीं है तो इसके आगे हमने आर्टिकल क्यों लगाया क्योंकि ये जो है पूरा जो विशेषता बता रहा है बेटा किसके बारे में बता रहा है राजा के बारे में ना इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे है. तो अगर लिखा होता अकबर वॉज अ ग्रेट ठीक है किंग नहीं लिखा होता तो आप आर्टिकल जो है नहीं लगाते ये बनता अकबर वॉज ग्रेट ठीक है तो यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ में नाउन लगा है इस वजह से आर्टिकल जो है ए यूज किया गया है तो मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो है अगर इंडिपेंडेंटली किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते ठीक है यहाँ पर ये नाउन के साथ है दैट इज वाई यहाँ पर जो है आर्टिकल यूज किया गया है नेक्स्ट है ऑन बैंक्स राइट right? पर दो वर्ड है बैंक्स क्या हुआ किनारा राइट right? तो वो भी एक चीज है एक प्लेस है राइट right? प्लेस के लिए भी हम वर्ड का यूज करते हैं और उन वर्ड को हम क्या बोलेंगे नाउन बोलेंगे एंड नेक्स्ट क्या बोला है ऑफ द रिवर अब नदी क्या है बेटा एक चीज है नदी जैसे वर्ड बोला तो आपके माइंड में एक अलग इमेज बनी मैं बोल रही हूं लेक तो लेक के बारे में जब आप सोचेंगे तो अलग इमेज फॉर्म होगी राइट तो दोनों वर्ड्स जो है रिवर हुआ लेक हुआ ये चीजों को डिनोट कर रहे हैं राइट और यहां पर आर्टिकल द भी लिखा हुआ है तो यहां पर दी बैंक्स और द रिवर दोनों क्या है दीज आर नाउन ठीक है नेक्स्ट है द रोज स्मेल्स स्वीट अब यहां पर देखिए द रोज लिखा हुआ है आर्टिकल है तो दैट इज ए नाउन स्मेल्स यहां पर क्या हुआ वर्ब हुआ अब नेक्स्ट स्वीट स्वीट क्या होगा स्वीट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करेगा स्वीट यानी कि मीठा राइट तो क्या ये एक नाउन है नहीं ये नाउन नहीं है ये क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि रोज जो है वो कैसा स्मेल कर रहा है स्वीट स्मेल कर रहा है तो स्वीट जो वर्ड है आपका नाउन नहीं होगा एंड दैट्स द रीजन वाई ये ऑब्जेक्ट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट है द सन शाइन्स ब्राइट क्या बोला कि सन कैसे शाइन कर रहा है ब्राइट शाइन कर रहा है राइट right? तो ब्राइट जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो नॉट अ नाउन तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा नेक्स्ट है आपका हिज करेज वॉन हिम ऑनर ठीक है उसकी जो करेज है, है आप खुद सोचिए मैंने आपको क्या बताया कि नेम ऑफ अ पर्सन नेम ऑफ अ प्लेस नेम ऑफ अ थिंग एंड नेम ऑफ एन एनिमल इज कंसिडर्ड एज नाउन बट क्या करेज जो वर्ड है करेज जो वर्ड है क्या वो नाउन कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा क्या बोला है हैेज करेज क्या हुआ वीरता ठीक है तो कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो फिजिकली जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे बट दे एग्जिस्ट एज मेंटल आइडिया ठीक है मेंटल आइडिया के तौर पर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं वी कॉल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है क्या बोलते हैं नाउन अब ये कितने हैं बेटा पांच तरह के होते हैं सबको अच्छे से बहुत अच्छे से समझेंगे तो हिज करेज यानी कि वीरता तो यहां पर जो करेज है दैट इज ऑल्सो वर्ड दैट इज अ नाउन ठीक है नेक्स्ट क्या है वॉन हिम ठीक है उसकी करेज ने जो है उसे ऑनर दिलाया ऑनर का मतलब क्या हुआ ऑनर ऑनर का मतलब क्या हुआ बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता इट एग्जिस्ट एज अ मेंटल आइडिया ठीक है idea, तो ऑनर जो वर्ड है यानी कि रेस्पेक्ट पाना है ना ही won द ऑनर बिकॉज ऑफ दिस करेज उसे जो है सराहा गया राइट right? तो ऑनर जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो नाउन राइट अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरह के जो है हमारे नाउन होते हैं राइट मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं राइट पेन हुआ सुन सकते हैं सॉन्ग जैसे कि नेक्स्ट है टेस्ट आप टेस्ट कर सकते हैं चॉकलेट हुआ आइसक्रीम हुआ राइट नेक्स्ट है टच पेन जैसे टच हुआ एंड स्मेल जो रोजेस की स्मेल है राइट right? तो ऐसी चीजें जो होती हैं, ठीक है ऐसी चीजें जो होती हैं, उन्हें हम कौन सा नाउन बोलते हैं बेटा हम उन्हें बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन कौन सा नाउन होता है कॉन्क्रीट नाउन जिन्हें आप परसीव कर सकते हैं यानी कि विद यूज ऑफ योर सेंसेस आप उनकी के बारे में जान सकते हैं राइट right? अब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको करेज वर्ड बताया दैट कैन नॉट बी परसीव्ड राइट इसे जो है आप देख नहीं सकते हो सुन नहीं सकते हो टच नहीं कर सकते हो आप इसे सिर्फ जो है एज मेंटल आइडिया परसीव कर सकते हो ठीक है परसीव भी नहीं एज मेंटल आइडिया जो है आप इसे सेंस कर सकते हो फील कर सकते हो तो ऐसे पार्ट ऑफ ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं वी कॉल देम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है क्या बोलते हैं हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है तो यहां पर जो है हम टाइप्स ऑफ नाउन्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो हम टाइप्स ऑफ नाउन पर भी आ जाते हैं ठीक है तो हमारे जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं बेटा कितने होते हैं मेनली पांच होते हैं बट इनको जो है फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि मैं बोलूं आप सभी को कि कुछ बॉल्स हैं ठीक है चीके? कुछ बॉल्स हैं एक बॉल में रखे हुए हैं ठीक है चीके? वो रंग बिरंगे डिफरेंट कलर्स के हैं कोई रेड है कोई ब्लू है कोई ग्रीन है राइट और कुछ जो है छोटे हैं कुछ बड़े हैं राइट right? तो मैं आपको कह रही हूं कि आपको जो है इन बॉल्स को डिवाइड करना है डिफरेंट कैटेगरीज में डालना है तो आप कैसे करोगे आप जो है पूछेंगे कि मैम किस बेसिस पर जो है हम इन बॉल्स को डिवाइड करें क्या हम इनके साइज के यानी कि छोटे हैं या बड़े हैं इनके कंपेरिजन में करें या फिर कलर के बेसिस पर डिविजन करें राइट right? तो ऐसे ही जो है नाउस जो है वो डिफरेंट बेसिस पर जो है डिवाइड किए जा सकते हैं और ये जो डिफरेंट बेसिस है वो आगे जब हम इनके बारे में इन डेप्थ समझ रहे होंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहां पर जो एक तरीका है जो मेन हम बोलते हैं जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं वो आपके पांच होते हैं ठीक है सो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन टाइप्स ऑफ नाउन हमारे कितने होते हैं मैंने बोला फाइव ठीक है पहला है आपका प्रॉपर नाउन ठीक है नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन देन वी हैव अ कलेक्टिव नाउन ठीक है देन वी हैव अस एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक है तो एक बार जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउंस पर जो है थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं ठीक है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउंस को या किसी भी तरह के नाउन को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक सर्टेन रूल होता है एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग देयर सफिक्सेस ठीक है सफिक्स क्या होता है बेटा सफिक्स इज वर्ड्स जो एक रूट वर्ड के साथ में अगर ऐड कर दो तो नया वर्ड जो है बन जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टी आई ओ एन दिया हुआ है ठीक है तो एक वर्ड है इवापोरेट ठीक है एवपोरेट वर्ड है इसमें अगर मैं आई ओ एन लगा दू ठीक है क्या लगा रही हूं क्या ऐड कर रही हूं आई ओ एन तो जो मेरे पास नया वर्ड बनेगा दैट वुड बी एवेपोरेशन राइट ठीक है तो ये यहां पर जो इवापोरेट वर्ड है ना बेटा दैट इज अ रूट वर्ड क्या है रूट वर्ड है ठीक है अब यहां पर आई ओ एन जो है आपका दैट इज अफेक्स ठीक है क्या है यहां पर ये सफिक्स है तो रूट वर्ड में सफिक्स मिलाया तो उसके बाद जो है एक वर्ड आया ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है आपका दैट इज अउन यहां पर इवापोरेट जो वर्ड है ये एक है, वर्ण है, वर्ण है, process, एक है है होना यानी कि प्रोसेस एक्शन यहाँ पर हुआ टास्क यहां पर हुआ है राइट तो यहां पर वर्ब तो ये है बट वर्ब में मैंने जैसे ही एक पर्टिकुलर सफिक्स लगाया तो मेरे पास नाउन आ गया राइट तो अब ये सिमिलर से लगते हैं दोनों वर्ड बट इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि कौन सा नाउन है इन दोनों में से दैट इज आई ओ एन जो यहाँ पर इसके सफेक्स है राइट right? तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें ये सब सफेक्सेस यूज किए जाते हैं एंड अगर आपको ये सफेक्सेस पता है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई नाउन इन एनी क्वेश्चन ठीक है तो एक बार जान लेते हैं इन सब के बारे में तो पहला जैसे कि टी आई ओ एन हुआ आई ओ एन या फिर ION एन आप जो भी ले राइट right? तो यहां पर जो वर्ड हो सकता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एक तो हुआ इवेपोरेशन एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जो हमारा संविधान है ठीक है और इसके अलावा क्या हो सकता है कंपैशन हुआ एस आई ओ एन से कंपैशन वर्ड हुआ ठीक है और इसके अलावा क्या हो सकता है कंक्लूजन हुआ राइट एंड सो ऑन आप जितने भी वर्ड्स इन सबसे बना सकते हैं उनको जो है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना और मुझे बताना ठीक है नेक्स्ट है ए एन टी एंड ई एन टी ठीक है तो इससे जैसे कि वर्ड एक हो सकता है टेनेंट ठीक है टेनेंट का मतलब क्या होता है किराएदार तो अगर आप किसी के यहां रेंट पर रह रहे हैं तो यू वुड बी कंसिडर्ड एज टेनेंट आपको जो है टेनेंट बोला जाएगा ठीक है टेनेंट हुआ और इसके अलावा क्या हो सकता है पेशेंट हुआ ठीक है एंड सो ऑन नेक्स्ट है ty cy एंड ce तो जैसे कि वर्ड हुआ ऑनेस्टी ठीक है पॉलिसी पुलिस, पेशेंस एटसेट्रा ठीक है नेक्स्ट है एस एच आई पी यानी कि शिप वाले जो भी वर्ड्स है जैसे कि हुआ सिटीजनशिप ठीक so है और रिलेशनशिप एंड सो ऑन ठीक है नेक्स्ट है ई आर और ओ आर ठीक है एग्जाम्पल जैसे हुआ डॉक्टर गवर्नर टीचर एम्प्लॉय एंड सो ऑन नेक्स्ट है आई एस टी या फिर आई एस एम ठीक है डेंटिस्ट मिनिस्ट फ्रोपिस्ट बुद्धिज्म एंड सो ऑन ठीक है अब है हुड चाइल्डहुड एडल्टहुड, ठीक है यहां पर मैं एक ही लिख रही हूं चाइल्ड हुड नेबरहुड शो ऑन नेक्स्ट है यू आर ई जैसे कि हुआ एडवेंचरपचर पेलियर एंड शो ऑन नेक्स्ट है डबल ई इसमें हो सकता है एम्प्लॉय एंड सो ऑन जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी बताना नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड से हैप्पीनेस सोरोनेस एटसेट्रा आप इनके थ्रू जो है आप बड़े ही आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो अब हम आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पर एंड दैट वाज द टाइप्स ऑफ नाउम्स राइट अब देखिए पांच तरह के नाउन्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन है ठीक है सेकेंड है कॉमन नाउन थर्ड है मटीरियल नाउन फोर्थ है कलेक्टिव एंड फिफ्थ वन इज आप नाउन अब इसको समझे कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नाउन जो है कौन से टाइप ऑफ नाउन की कैटेगरी में कैटेगराइज करा जाएगा राइट right? तो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं अब एग्जांपल क्या है कि सोचो इमेजिन करो सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है ज़्यादा खुश मत होना ठीक है तो इमेजिन करो कि आपका जो है बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो चुका है एंड आफ्टर ऑल हम सब यही चाह रहे हैं राइट right, आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं एंड आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं बहुत खुश है राइट right? एंड आपको वो बोल रहे हैं कि आप जो भी फोन चाहें ठीक है हमारी तरफ से गिफ्ट होगा आप जो भी फोन चाहते हैं जिस पर भी आप हाथ रखेंगे आपको वो फोन हम दिला देंगे ठीक है तो अब आप कहाँ जाएंगे फोन लेने फोन लेने के लिए आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर राइट जहाँ पर मोबाइल एंड एक्सेसरीज मिलती है कहीं और तो नहीं जाएंगे राशन की दुकान पर भी नहीं जाएंगे राइट तो हम वहां जाएंगे जहां पर फोन मिलते हैं राइट क्या बोला हम गए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए दुकान पर हम गए शॉपकीपर था शॉपकीपर को हमने बोला कि भैया हमें फोन खरीदना है क्या खरीदना है फोन खरीदना है ठीक है अब शॉपकीपर वाले जो भैया है वो कह रहे हैं भैया हमारे पास तो बहुत सारे फोन हैं आपको कौन सा चाहिए क्या सैमसंग का चाहिए क्या iphone चाहिए या किसी और नो का चाहिए कौन सा चाहिए आपको आपने बोला भई मेरे फादर तो कह रहे हैं जो उन जो भी सॉरी जो भी आप बोलेंगे वो दिला देंगे तो हम ले लेते हैं आईफोन ठीक है आईफोन आई में भी कौन सा मॉडल चाहिए आपने बोला थर्टीन बोल दिया राइट ठीक है हम आईफोन थर्टीन लेंगे राइट आपने डब्बा लिया आईफोन थर्टीन का डब्बा आपको दिया गया आपने पेमेंट की एंड आप जो है उसके स्टिकर जो है ठीक है उसको उतार रहे हैं राइट right? अब उसकी आपने अनबॉक्सिंग की अनबॉक्सिंग की तो हमने उसका मटेरियल जो देखा थर्टीन जो है थोड़ा पुराना हो गया क्यों ना हम लेटेस्ट वाला ही ले ले अब जब इतने पैसे खर्च ही रहे हैं तो फिफ्टीन प्रो ही ले लो राइट ठीक है तो हमने ले लिया फिफ्टीन प्रो अब जो फिफ्टीन प्रो वाला है इसकी जो आपने बॉडी देखी दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडल्स कौन सा मटेरियल था टाइटेनियम मेटल का यूज किया गया था ठीक है टाइटेनियम बॉडी वाला फोन है ठीक है आपने डब्बा खोला जैसे रील्स में देखते हैं कि सो एन सो पर्सन ने आईफोन लिया एंड उसका स्टीकर उतारा राइट right? उतारते ही आपको बहुत खुशी हुई क्या खुशी हुई कैसा फील हुआ हैप्पीनेस आपको फील हुई राइट right? तो अब यहां पर हम आ जाते हैं अब इन्हीं शब्दों में जो है आपके बेटा टाइप्स ऑफ नाउंस है ठीक है हम कहाँ गए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर गए राइट right? इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप है वहां पर हम गए फोन लेने ले, राइट अब शॉपकीपर ने क्या बोला था कि फोन कौन से चाहिए फोन तो बहुत सारे राइट सो दैट इज फोन कॉमन है है ना आजकल सबके पास फोन होना कॉमन है सबके पास पाया जाता है बट सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के फोन है राइट तो so यहाँ पर जो फोन वर्ड है ना बेटा दैट इज अ कॉमन नाउन कौन सा नाउन हुआ कॉमन नाउन हुआ राइट right. अब आईफोन फिफ्टीन प्रो मैक्स आपने बोला तो ये बेटा क्या हुआ प्रॉपर नाउन हुआ आपने प्रॉपरली बताया दुकान वाले को कि कौन सा फोन चाहिए राइट right. अब यहां पर आपको पता चला कि जो बॉडी थी वो किसकी थी जो फोन की बॉडी है वो किसकी है टाइटेनियम की है तो दैट इज नाउन ठीक है टाइटेनियम क्या हुआ मटीरियल नाउन हुआ एक मेटल है और मेटल को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते आयरन है, है मैं कह रही हूँ आयरन को यूज करो आयरन को यूज आप कैसे कर सकते हो उससे जो है कुछ चीजें बनाकर यूज करते हैं राइट तो मटेरियल नाउन बेटा क्या होते हैं आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं इनके प्रोडक्ट्स बनाकर फिर यूज करते हैं जैसे कि प्लास्टिक हुआ प्लास्टिक का पेन हम यूज करते हैं प्लास्टिक के बैग्स जो है वो जैसे कि आपको पता है बैन है राइट मेटल के जो है क्या होते हैं यूटेंसिल्स होते हैं गोल्ड की ज्वेलरी होती है आप डायरेक्टली इन सब चीजों को यूज नहीं करते हो राइट ग्लास हुआ और आपका क्ले हुआ राइट तो ये सब क्या है मटेरियल नाउन है फैब्रिक जैसे हुआ ठीक है कॉटन हुई कॉटन क्या है आपको पता है रुई क्या होती है कॉटन क्या होता है है ना अब उसके आपने प्रोडक्ट्स बनाए और पहने तो कॉटन क्या हुआ दैट इज अटीरियल नाउन ठीक है अब आपको जो है आपको जो है फोन यूज कर रहे हो आप आपको बहुत खुशी हो रही है तो दैट इज एन एब्रिक नाउन क्योंकि इसे जो है आप देख नहीं सकते हो सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो अपने मन में राइट मेंटल फीलिंग होती है आपकी ठीक है तो दैट इज एपस्ट्रिक नाउन अब रह गया इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आप गए राइट right? राशन की दुकान पर तो नहीं मिलेगा ना ही केमिस्ट की दुकान पर मिलेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दैट इज ए कलेक्टिव नाउन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं बेटा डिफरेंट कॉमन नाउन्स होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया ओवन हो गया आपका मोबाइल फोन हो गया लैपटॉप हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है कलेक्शन ऑफ नाउंस नाउन्स के कलेक्शन को कॉमन नाउन्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं वी कॉल इट कलेक्टिव

राइट right? कौन सा मेरा सेलो का पेन है बाकी सबका किसी और का होगा राइट right? तो सेलो वर्ड क्या हुआ दैट इज अ प्रॉपर नाउन पेन क्या हुआ कॉमन नाउन प्लास्टिक हुआ मटेरियल अब ये बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है स्टेशनरी की कैटेगरी में ये आता है ठीक है जो कलेक्टिव नाउन होगा पेन नोटबुक्स पेंसिल्स ये सब हम कहा से लेकर आते हैं सब्जी मंडी से तो नहीं लाते ना ग्रोसरी की शॉप से नहीं लाते कहाँ से लाते हैं हम इन सब चीजों को जो नोटबुक्स है आपकी बुक्स है ये सब स्टेशनरी की दुकान से लेकर आते हो तो स्टेशनरी क्या हुआ दैट इज अ कलेक्टिव नाउन ठीक है और बड़े ही आसानी से आप इसे यूज कर रहे हैं दैट इज कंफर्टेबल टू यूज एंड यू कैन फील कंफर्ट यू आर हैप्पी टू यूज योर प्रोडक्ट तो वो क्या हुआ आपका एबस्ट्रेक्ट नाउन बन गया ठीक है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वी हैव एज प्रोनाउंस अब प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा आप सभी ने नाम सुना IPhone 13, 13 प्रो 14, 14 प्रो प्रो वर्जन है हर एक चीज का राइट right. अब देखिए यहां पर ना क्या बोला है प्रो नाउंस नाउंस आपको समझ में आ गया नाउन क्या होते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट right. तो प्रो नाउन क्या होगा नाउंस का प्रो वर्जन मैम अब आप ये क्या बोल रहे हो ग्रामर में भी प्रो वर्जन होते हैं क्या हाँ होते हैं ठीक है कैसे होते हैं नाउन्स आपको पता चल गया दैट इज नेमिंग वर्ड राइट अब जो प्रोनाउंस है जैसे कि प्रो वर्जन होते हैं ना जो ओल्डर वर्जन का जगह ले लेते हैं राइट right? आपने सब्सक्रिप्शन किया ऑन अपना और आपको प्रो वर्जन किसी भी ऐप का मिल गया ऐसे ही नाउन्स का भी प्रो वर्जन होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्रोनाउन्स इसका काम क्या होता है दैट इज टू रिप्लेस अ नाउन एक नाउन को रिप्लेस करने का काम होता है किनका प्रोनाउंस का ठीक है सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज इन स्टेड ऑफ अ नाउन जो नाउन की जगह यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जॉन इज एबसेंट जॉन यहां पर क्या है नाउन ठीक है ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में क्या है द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स आर्टिकल से ही पता चल रहा है दैट इज ए नाउन राइट अब सेंटेंस को पूरा कंप्लीटली रीड कीजिए जॉन इज बिकॉज ही इज एल जॉन क्यों है क्योंकि वो बीमार है राइट right? अब यहां पर सेंटेंस अगर लिखा हो तो जॉन इज एबसेंट बिकॉज जॉन इज एल तो मतलब हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं एक नाउन को जब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट right? तो टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन इन अ पैराग्राफ टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन तो उसे हम क्या बोलते हैं उसकी जगह हम जो है क्या लगा देते हैं एक प्रोनाउन लगा देते हैं so, तो यहां पर जॉन की जगह हमने क्या लगाया ही लगाया राइट सो टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन वी रिप्लेस इट किससे रिप्लेस कर देते हैं इसको विद अ प्रोनाउन एक प्रोनाउन से हम इसको रिप्लेस करते हैं रिपोर्टेशन को रोकने के लिए नेक्स्ट है द बुक्स आर वेर यू लिफ्ट दे अब यहां पर क्या बोला है कि बुक्स वही है जहां तुम तो उन्हें छोड़कर गए गए थे राइट right, यहां पर जो है द बुक्स दैट इज ए नाउन एंड इसे रिप्लेस करने के लिए जो है ड का यूज किया गया है राइट right? तो देम जो वर्ड है यहां पर दैट इज वट दैट इज अ प्रोनाउन ठीक है तो बुक्स आर वेर यू लेफ्ट देख तो प्रोनाउन्स बेसिकली आपकी क्या है प्रोनाउम्स आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस वाउन ठीक है अब जो प्रोनाउंस होते हैं ना बेटा दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ठीक है डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसकी और इसमें जो मेन होता है आपका दैट इज वट दैट इज ग्रामेटिकल पर्सन ठीक है जिन्हें हम क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि ये किसके लिए यूज किए जाते हैं ये पर्सनस के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है अब पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं इसका मतलब क्या है जानते हैं देखो जो आपकी ग्रामर होती है ना जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपके तीन पर्सन होते हैं ठीक है अभी कौन लोग हैं यह भी हम जानेंगे राइट right? तो ग्रामेटिकल पर्सन जो है आपके कितने होते हैं कितने होते हैं तीन होते हैं राइट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ठीक है तीन होते हैं आपके ग्रामेटिकल पर्सन ठीक है अब इसमें कौन कौन सा हुआ कोई भी कॉन्वर्जेशन देखिए चल रही है कोई भी सेंटेंस बना रहे हो आप कॉन्वर्जेशन भी आपका अगर चल रहा है तो किसकी हेल्प से पल चलता है सेंटेंसेस की हेल्प से चलता है राइट तो जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं मैं बोल रही हूं और आप मुझे सुन रहे हैं राइट तो मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगी बात करते हुए वो क्या यूज करूंगी दैट वुड बी आई राइट आई वर्ड का यूज करूंगी मैं राइट right? आपके लिए मैं किस वर्ड का यूज करूंगी प्रोनाउन का यूज करूंगी दैट वुड बी यू ठीक है अब थर्ड पर्सन कोई है जैसे कि मैं बात कर रही हूं जॉन की बात कर रही हूँ राइट right? तो जॉन के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया था ही राइट right? एक बार ये तो डिफरेंट कलर में लिख देती हूं सो दैट इट कु फॉर यू गायस ठीक है तो क्या आई हुआ सेकेंड यू हुआ राइट right? थर्ड किसी पर्सन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर राइट right? तो उसके लिए जो है मैं क्या यूज करूँगी ही अगर वो फीमेल है तो शी और अगर कोई ने, ने, जेंडर न्यूट्रल है या नॉन लिविंग थिंग है नॉन ह्यूमन थिंग है तो उसके लिए इट वर्ड का मैं यूज करूँगी राइट right? तो यहां पर अब यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने लिए मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हैं अपने लिए मैं क्या यूज वर्ड करूंगी दैट वुड बी आई और आप जो मुझे सुन रहे हैं आपके लिए यू राइट right? अब अगर सिचुएशन ऑपोजिट होती है यानी कि आप बोल रहे हैं और मैं आपको सुन रही हूं तो आप अपने लिए आई वर्ड का यूज करेंगे राइट क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा स्पीकर आप होंगे तो आपका फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या होता है बेटा स्पीकर होता है ठीक है क्या होता है किसी भी कॉन्वर्जेशन का स्पीकर जो है आपका फर्स्ट पर्सन होता है और जो लिसनर होता है वो क्या होता है दैट इज अ सेकेंड पर्सन राइट अब आप इमेजिन करें कि आपसे आपसे जो है बहुत बड़ा जुर्म हो गया घर में मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी जो है घर में जो आपके पापा की गाड़ी है उसका शीशा आपने फोड़ दिया गलती से हो गया राइट right? अब वो फूट गया आपके सिबलिंग ने आपको जो है देख लिया राइट right? तो आप उसे छुपचाप से बोलेंगे इधर चुप खबरदार जो मेरे खबरदार जो तुमने अगर आ, किसी को भी घर पे कुछ बोला ठीक है ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए मैं तुझे बोल रहा हूं कि तू कुछ भी नहीं बोलेगा किसी के भी आगे ये बात किसी भी तीसरे पर्सन को पता नहीं चलनी चाहिए राइट तो तीसरा पर्सन क्या हुआ जो किसी कॉन्वर्सेशन के अपार्ट कोई दूसरा कोई अलग पर्सन है राइट तो थर्ड पर्सन बेटा आपका क्या होता है किसी भी सेंटेंस का टॉपिक होता है जिसके भी बारे में आप एक अपने लिसनर को बताते हो ठीक है जब एक स्पीकर अपने लिसनर को किसी तीसरे पर्सन के बारे में बताते तो उस तीसरे पर्सन को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं एंड उनके लिए हम क्या प्रोनाउंस यूज करते हैं ही शी एंड इट राइट अब ये सब जो मैंने आपको प्रोना, प्रो, प्रोनाउंस जो बताए हैं दीज आर ऑल सिंगुलर सभी क्या है सिंगुलर है राइट right? तो so इनका प्लूरल भी कुछ होगा अब प्लूरल क्या होगा आई के लिए क्या होता है बेटा वी यू के लिए यू ही रहेगा सेम ही रहेगा ही शी एट कोई भी हो तीनों में से राइट right? इन सबके लिए क्या यूज करेंगे दे वर्ड का यूज करेंगे राइट right? तो यहां पर जो ये पर्सनल प्रोनाउंस है ठीक है ये सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं दीज आर ऑल मेन प्रोनाउंस अब आज आगे आ जाते हैं नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अब देखिए यहां पर ना जो आपके ये प्रोनाउंस हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एम लिसनिंग टू अज लिसनिंग टू अ सॉन्ग राइट अब यहाँ पर आई जो है बेटा क्या है दैट इज अ सब्जेक्ट अब हमने बहुत बहुत पहले इस सेशन के सीखा कि आपके सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा दैट वुड बी अ नाउन राइट और प्रोनाउंस में हमने सीखा कि नाउन की जगह जो है कोई और ले सकता है और वो जगह लेने वाले कौन है दैट इज प्रोनाउंस ठीक है राइट तो नाउंस की जगह हम प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके सेंटेंस का एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है राइट right? तो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन से जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक है कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं दैट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट राइट तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर क्या है राइट right? तो यहाँ देखिए इस तरफ जो है इस रो में लिखे हुए हैं सभी सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और इधर है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यानी कि जब प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की जगह पर यूज करके एक सेंटेंस को बनाते हो तो प्रोनाउन अलग होता है और जब आप उसे ऑब्जेक्ट की जगह रखते हो तो वो तब अलग अपना रूप आ, बना लेता है यानी कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है राइट right? तो दोनों जो है डिफरेंट होते हैं ऐसा कुछ एज सच केस जो है के केसेस में नहीं होता है बट प्रोनाउन में होता है कि वो चेंज हो जाता है राइट right? अगर कोई सब्जेक्ट आई है और अगर उसे हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं ठीक है जनरली आप देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस में क्या फिर मैं बोलू दैट आई एम टॉकिंग टू रितु सो रितु इज टॉकिंग टू मी राइट मैंने क्या किया प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह लगा दिया तो मी जो है क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा फॉर आई अब यू का क्या होगा यू का यू ही रहेगा ही का बन जाएगा हेम शी का बन जाएगा हर आई एम टॉकिंग टू हेम आई एम टॉकिंग टू हर और इट का क्या रहेगा इट का इट ही रहेगा तो यू यू एंड इट ऐसे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के केस में और ऑब्जेक्ट के केस में दोनों केसेस में जो है सेम रहते हैं ये नहीं बदलते हैं ठीक है ही और शी बदल जाएगा और आई बदल जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है जब आपको किसी चीज का पोजेशन दिखाना होता है अपना अधिकार दिखाना होता है राइट right? तो मैं यहां लिख देती हूं पोजेशन का मीनिंग क्या होता है पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार ठीक है जैसे कि मैं बोल रही हूं कि ये मेरा पेन है ये मेरा पेन है तो दिस पेन इज माइन ठीक है तो माइन जो है यूज किया जाएगा यू का हो जाता है योर्स ही का हो जाता है हिज शी का होगा हर्स ठीक है अब आगे आ जाते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना जान लेते हैं रूल क्या होंगे इसके आगे जान लेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेटा क्या होता है आप सेल्फ को ऐड कर देते हो प्रोनाउन में ठीक है तो आई प्लस सेल्फ आई सेल्फ तो नहीं होगा क्या होगा माय सेल्फ राइट सेल्फ ही हेम सेल्फ हर या शी हर सेल्फ इट का क्या होगा इट सेल्फ ठीक है अब आगे चलते हैं और भी हमारे पास प्रोनाउंस है और है वी वी का हो जाएगा अस यू का यू ही रहेगा यहाँ पर भी अब आप सोच रहे होंगे कि यू को जो है हमने पहले भी यूज करा था एंड इट भी यहाँ पर जो है पहले यूज हुआ था एंड अगेन जो है रिपीट हो रहा है क्या ये मिस्टेक है नहीं मिस्टेक नहीं है लास्ट हमने जितने भी सब्जेक्ट्स कवर किए दीज सिंगुलर सब क्या थे सिंगुलर थे राइट right? प्रोनाउंस क्या होते हैं सिंगुलर और प्लुरल दो तरह के होते हैं right? राइट यहां पर हम प्लूरल की अब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब प्लूरल होगा तो अब यू जो है वो यू ही रहेगा वो डिफरेंट नहीं होगा ठीक है जैसे आई का वी हुआ ऐसे ही यू का यू ही रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज राइट ऐसे ही दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा और इट इट ही रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेम ही रहेगा ठीक है अब आ जाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन पर अब इसका क्या हो जाएगा आवर्स वी का हो जाएगा आवर्स, का हो जाएगा? आवर्स यू का हो जाएगा योर्स अब यहां पर देखिए योर्स लिखा हुआ है ठीक है दोनों में आप देख सकते हैं योर्स का यूज किया गया है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दे का क्या हो जाएगा हो जाएगा अब यहां पर आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हो जाएगा आर सेल्स वी का आर सेल्स होगा ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो वीई एस है यहां पर सेल्फ है राइट प्लूरल में जो है सेल्फ यानी कि जो वर्ड एफ पर एंड होता है वो वीई एस पर एंड होने वाला आ, वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि लीव का क्या हुआ लीव्स हुआ थीव का क्या हुआ थीव हुआ ऐसे ही सेल्फ का क्या हो जाएगा बेटा सेल्फ हो जाएगा बिकॉज इट इज प्लूरल ठीक है तो आवर सेल्फ हो जाएगा वी के लिए यू के लिए योर सेल्फ हो जाएगा ठीक है सिंगुलर एंड प्लुरल आप किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्व से दे का क्या हो जाएगा इट का क्या हो जाएगा इट सेल्व हो जाएगा क्लियर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स। ठीक है, Next. Next है अभी तक हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच सीखी है कौन कौन सी अभी तक हमने सीखा नाउन एंड प्रोनाउन राइट right? अब तीसरी पार्ट ऑफ स्पीच हम समझने जा रहे हैं और ये थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच बेटा कौन सी है दैट इज एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं नाउन समझ में आया नेमिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउन्स क्या हुआ द वन डॉट रिप्लेस नाउन राइट तो नाउन को रिप्लेस करते हैं एडजेक्टिव क्या हुए बेटा जो नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता को बताते हैं ठीक है ठीके? तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन यानी कि नाउन के बारे में एक्सप्रेस करते हैं सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव कौन से होते हैं दैट एक्सप्रेस वट ठीक है That, express, किसको एक्सप्रेस करते हैं एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को ठीक है नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का आप यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं वी कॉल देम एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल ये आपको जो है फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है इसको यहीं पर जो है हम ब्रेक करते हैं कि कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं. ही यहां पर क्या है दैट इज प्रोनाउन इज क्या है दैट इज अ वर्ब और क्या है आर्टिकल ब्रेव क्या है हमें नहीं पता बॉय क्या है नाउन है राइट right? अब यहां पर देखिए नाउन के पहले क्या वर्ड यूज किया गया है बेटा दैट इज ब्रेव है ना तो यहां पर इस नाउन के मतलब इस बॉय के बारे में बताया दैट वो कैसा है वो ब्रेव है राइट right? तो जो वर्ड एक नाउन को या प्रोनाउन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है वो वर्ड आपका क्या होता है दैट इज एन Adjective यानि कि जो ब्रेव वर्ड है एक एबजेक्टिव हो गया राइट right? नेक्स्ट है देर आर ट्वेंटी बॉयज इन दिस क्लास ठीक है तो यहां पर देखिए बॉयज यहां पर नाउन दिया हुआ है राइट right? और क्लास भी जो है क्या हुआ एक नाउन हुआ ठीक है कक्षा जो रूम है उसकी बात हो रही है राइट right? तो यहाँ पर बॉयज जो है क्या है दैट इज अउन अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है ट्वेंटी बॉयज तो जो ये ट्वेंटी वर्ड्स है ना बेटा दैट इज एन एडजेक्टिव क्योंकि वो बता रहा है उसके बारे में कि कितने ठीक है कैसा कितना इन सबको आंसर करते हैं जो वर्ड्स दीज आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव तो यहां पर ट्वेंटी जो क्या है दैट इज एन एडजेक्टिव और इसके अलावा जैसे हुआ ही ही इज़ इज़ इंटेलिजेंट नहीं हम कुछ और नाउन के साथ यूज करते हैं रमा इज़ इंटेलिजेंट ठीक है प्रीति is an intelligent girl ठीक है अब यहां पर देखिए दो सेंटेंसेस है पहला है ये एंड दूसरा है ये ठीक है रमा जो है दैट इज इन नाउन क्योंकि एक पर्सन का नाम है राइट right? इज क्या हुआ वर्ब हुआ राइट right? नेक्स्ट है इंटेलिजेंट क्या बोला रमा इज इंटेलिजेंट तो उसकी विशेषता बताई है नाउन की विशेषता बताई है तो दैट इज एन एडजेक्टिव राइट ये क्या हुआ एक एडजेक्टिव हुआ नेक्स्ट है प्रीति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल ठीक है यहाँ पर प्रीति क्या है दैट इज एन नाउन ठीक है इंटेलिजेंट क्या हुआ दैट इज एन एडजेक्टिव ठीक है गर्ल क्या हुआ ये एक नाउन है राइट right? तो पर क्या बोला प्रीति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल दोनों में जो है दोनों सेंटेंसेस में क्या है इंटेलिजेंट वर्ड यूज किया गया है एंड दोनों ही जो है नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं, राइट right? अब यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है फर्स्ट सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव के साथ में आपको यानी कि एडजेक्टिव के बाद में आपको कोई नाउन नजर नहीं आ रहा है राइट right? बट यहां पर सेकेंड सेंटेंस में क्या है गर्ल वर्ड आपको नजर आ रहे है राइट right? तो एडजेक्टिव के साथ में है राइट right? तो क्या कुछ यहां पर ऐसा है जो हमें नहीं पता डाटा इसके फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ हमने इंटेलिजेंट वर्ड के साथ नाउन नहीं लगाया तो क्या वो गलत हो सकता है सेकेंड केस क्या है कि इंटेलिजेंट के साथ में नाउन लगाया है तो क्या ये तब गलत कंसिडर किया जाएगा दोनों ही केसेस बेटा करेक्ट है दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों इसलिए सेम है इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये दोनों जो है के केसेस को बता रहे हैं किसको बता रहा है एक्स के केसेस को बता रहा है यानी किस जैसे हमने केसेस किए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, कि आप प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पर, पर यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं यानी कि बेसिकली जब वर्ब से पहले अगर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो क्या कहलाया जाएगा उसे आप सब्जेक्ट बोलेंगे अगर वर्ब अगर किसी सेंटेंस में ठीक है एक बार फिर से जानते हैं किसी सेंटेंस में अगर वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है ठीक है हम वापस चलते हैं एक बार वहीं पर जहां हम थे थोड़ी देर पहले हम्म ठीक है अगर कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं राइट अगर वो वर्ब के बाद में आता है तो वो क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट बनता है क्या कोई भी नाउन या प्रोनाउन बेसिस ऑफ देयर प्लेसमेंट कहा आपने नाउन और प्रोनाउन को रखा है वो उसके जो है केस को बताता है राइट right? ऐसे ही हमने केस सीखे प्रोनाउन के दैट वॉज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अब ये किस बेसिस पर था कहा प्रोनाउन को रख रहे हैं ऐसे ही को जो है किसी में दो तरीके से रखा जा सकता है किस तरीके से आपने जो है ऑब्जेक्टिव को रखा है इस बेसिस पर जो एब्जेक्टिव के केसिस होते हैं वो दो होते हैं ठीक है कौन कौन से पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है इसके आसपास कोई नाउन नजर आ रहा है दैट इज रमा राइट right? तो एडजेक्टिव से पहले हमने क्या लगाया नाउन लगाया अब यहां पर क्या है इंटेलिजेंट गर्ल राइट यहां पहले भी आ रहा है और बाद में भी आ रहा है राइट right? अब यहां पर एडजेक्टिव जो है बाद में भी आ रहा है राइट right? तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव रेस्पेक्ट ऑफ नाउन कि आपने उसको नाउन के किधर रखा है पहले रखा है या बाद में रखा है इस बेसिस पर जो है एडजेक्टिव के दो केसेस होते हैं ठीक है चेके? Mm. तो वो दो केसेस कौन कौन से होते हैं पहला तो है आपका एट्रीब्यूटिव केस ठीक है दूसरा है प्रेडिकेटिव क्या बोला एट्रीब्यूटिव एंड प्रिडिकेटिव ठीक है तो नाउन के अगर आप आगे एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं तो डिफरेंट केस बनेगा राइट अगर उसके अलावा रखते हैं तो डिफरेंट केस बनेगा ठीक है तो बेसिकली जो है आपका एट्रीब्यूटिव केस देखिए कौन सा होता है पहले तो हम नाउन लिख लेते हैं ठीक है दोनों ही केसेस में नाउन लिख लेते हैं जब आप एडजेक्टिव के आगे नहीं सॉरी जब आप नाउन के आगे एक एडजेक्टिव को लगा देते हैं नाउन के आगे जब आप एडजेक्टिव को लगाते हैं तो वो आपका एट्रिब्यूटिव केस बनता है और जब एक नाउन से पीछे प से प्रेडिकेटिव राइट तो जब आप नाउन के आगे एक एब्जेक्टिव को लगाते हैं तो ये जो एडजेक्टिव है इसको एट्रोब्यूटिव बोलेंगे और जब आप इसे पीछे लगा देते हैं ठीक है तो हम इसे क्या बोलेंगे प्रेडिकेटिव ठीक है अब ये सेम जो है प्रोनाउन के केस में भी आता है बट प्रोनाउन का जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव केस एग्जिस्ट करता है एट्रीब्यूटिव नहीं यानी कि आप प्रोनाउन के जस्ट आगे एडजेक्टिव कभी भी नहीं लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज स्मार्ट तो ही क्या है प्रोनाउन इज वर्ब है स्मार्ट क्या हुआ एडजेक्टिव राइट तो हमेशा प्रोनाउन के बाद में जो है आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं मतलब बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बीच में जो है वर्ब्स का यूज होगा ठीक है तो हमेशा प्रेडिकेटिव केस जो है आपके प्रोनाउंस का एग्जिस्ट करता है ठीक है सॉरी प्रेडिकेटिव केस जो है आपका एडजेक्टिव का एग्जिस्ट करता है आगे चलते हैं वर्ब्स की तरफ अब वर्ब्स एक ही क्या होते हैं वर्ब्स जो है बेसिकली किसी भी तरह का अगर एक्शन हो रहा होता है आपके सेंटेंस में तो उसे हम क्या बोलते हैं वर्ब्स बोलते हैं राइट right? अब जैसे कि कुछ यहां पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं एग्जांपल्स को देख लेते हैं हमें क्या करना है हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है ठीक है फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल रोट अ लेटर द गर्ल यहां पर क्या है दैट इज अउन राइट नाउन है गर्ल रोट अ लेटर रोट मतलब लिखना तो कोई काम हो रहा है दैट इज वर्ब इस काम को करने वाले कौन है गर्ल है राइट right. तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है अ लेटर क्या लिखा है लेटर लिखा है ठीक है टू हर का क्या तो वो बेसिकली क्या है आपका एक्शन को शो करते द द वर्ब्स वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन इज नॉन एज वर्ट Verbs. अब नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ढूंढना है एक्शन वाला वर्ड क्या बोला है कोलकाता दैट इज हुआ एंड सिटी क्या हुआ नाउन हुआ राइट टी वाई पर एंड हो रहा है दैट इज सिटी राइट अब यहां पर क्या आपको एक्शन वाला वर्ड नजर आ रहा है नहीं बट वर्ब नजर आ रहा है इज है ना नेक्स्ट आ जाते हैं शी हैज अ स्मार्ट वॉच शी क्या है प्रोनाउन ठीक है यहां पर बात किसकी हो रही है शी जो प्रोनाउन है दैट इज सब्जेक्ट राइट एंड स्मार्ट स्मार्ट वॉच क्या है नाउन है दिस विल बी आर ऑब्जेक्ट राइट बट क्या यहां पर वर्ब है क्या यहां पर एक्शन हो रहा है एक्शन तो नहीं हो रहा बट वर्ब जो है यहां पर प्रेजेंट है राइट right? तो हमने तो ये ही सीखा है कि वर्ब्स तो एक्शन को शो करते हैं बट इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन नहीं है बट स्टिल कुछ वर्ड्स को जो है हमने वर्ब्स माना है ठीक है अब ये क्यों माना है क्योंकि जो वर्ब्स होते हैं बेटा आपके काफी टाइप्स के होते हैं ठीक है तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स जान लेते हैं तब आपको थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी होगी तो वर्ब्स जो है ना वर्ब्स बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं ठीक है वर्ब्स जो है आपके दो तरह के होते हैं कौन कौन से जान लेते हैं पहला तो है आपका मेन वर्ब ठीक है क्या है मेन वर्ब्स ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो है आपका आ जाता है एक तो मॉडल्स ठीक है और आता है कलर चेंज कर लेते हैं दो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं कौन कौन से एक तो है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक है मॉडल्स ठीक है मॉडल्स कौन से होते हैं जैसे कि कैन हुआ कुड हुआ शाल हुआ शुड हुआ मे माइट मस्ट टू एट्सेट्रा ठीक है ये सब क्या है मॉडल्स है राइट हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब्स जो है इनका नाम हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए आया क्योंकि ये मेन वर्ब्स की हेल्प करने की इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है तो मेन वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें क्या नजर आता है आपको किसी भी तरह का एक्शन और ये एक्शन कैसा हो सकता है इट कैन बी फिजिकल जैसे कि वॉक राइट ठीक है और हो सकता है मेंटल दैट इज थिंक ठीक है तो थिंक भी जो है दैट इज एन एक्शन बट मेंटल है राइट right? तो एक्शन जो हो जैसे कि हुआ स्पीक राइट वॉक ठीक है क्लाइंब ईट थिंक एटसेट्रा ये सब क्या है मेन वर्ब अब मेन वर्ब्स की ही हेल्प करने की ड्यूटी होती है किसकी हेल्पिंग वर्ब की ठीक है इसलिए जो है इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो है आपके और कई तरीके के होते हैं जैसे कि हुआ इज, एम एंड आर ठीक है वॉज वर ठीक है हैज हैव हैड एंड जो टू बी की फॉर्म वाले होते हैं ठीक है तो ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है अब हेल्पिंग वर्ब्स का जो है यूज किया जाता है मेन वर्ब्स के साथ में फॉर एग्जाम्पल ही इज स्विमिंग दे आर ईटिंग दे व स्लीपिंग एट्सट्रा राइट तो जब आप वर्ब के साथ में आई एन जी लगा देते हैं एक्शन वाले वर्ब्स के साथ में जब आई एन जी लगा देते हैं तो उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब्स आपके ये सब होते हैं तो अपना हम टॉपिक पर आ जाते हैं ये हमारा टॉपिक है राइट अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स जो है कौन कौन से हैं? इज है और हैज है राइट अब दोनों का ही जो है ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब है इनका कुछ डिफरेंट काम है यहाँ पर और क्या क्या है पहला है कि यहाँ पर नाउन के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है राइट यहाँ पर नाउन की स्टेट बता रहा है कि चलो हमें पता है कोलकाता इज सिटी बट कैसी सिटी है छोटी सिटी है बड़ी सिटी है राइट तो यहाँ पर जो है क्या बताया स्टेट को बताया सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया गया है उसमें क्या बताया है एक एक्शन को बताया है राइट अब नेक्स्ट आ जाते हैं शी हैज स्मार्ट वॉच तो क्या ये उस पर्सन की खुद की स्टेट है नहीं यहाँ पर जो है आपको पोजेशन दिख रहा है क्या दिख रहा है पोजेशन की किसी के अंडर कोई चीज है राइट तो हैज स्मार्ट वॉच मतलब क्या हुआ कि उसके पास में है वो उससे बिलोंग करती है राइट तो वर्ब्स जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही नहीं किसी भी नाउन की स्टेट के लिए भी यूज किया जा सकता है जैसे कि दिस टी शर्ट इज वेट राइट right? तो वेट क्या हुआ उसकी स्टेट हुई राइट right? तो स्टेट और पोजीशन तीनों को जो है ये एक्सप्लेन करता है सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो टू हैव समथिंग ठीक है टू हैव समथिंग ठीक है तो इसके लिए भी जो है आप यूज करते हैं वर्ब्स का ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन तक तो सीमित नहीं है बाकी के काम भी जो है वर्ब के होते हैं ठीक है आई होप सबको जो है इतना क्लियर हो गया होगा कि वर्ब्स क्या होते हैं नेक्स्ट है एडवर्ब्स ठीक है एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटा जैसे कि हमने सीखा कि नाउन्स और प्रोनाउंस जो है उनकी विशेषता बताने के लिए जो है हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं और नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता कौन बताते हैं एडजेक्टिव बताते हैं तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा कई जो है बच्चे ये मान के चलते कि एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज इक्वल टू एडवर्ब यानी कि वर्ब्स के एडजेक्टिव बताना वर्ब्स के बारे में बताना इज इक्वल टू एडवर्ब्स पर ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स तक सीमित नहीं है एडवर्ब्स ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब्स के अलावा एडजेक्टिव और दूसरे किसी एडवर्ब की क्वालिटी को बताते हैं ठीक है चीके? हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहला सेंटेंस देख लेते हैं ही वर्क द सम क्विकली क्या बोला ही वर्क द सम Quickly, उसने सम को जो है कैसे सॉल्व किया वर्ग का मतलब यहां पर क्या वो सोल्व या हम इसको सिंपल जो है सोल्व मान लेते हैं ठीक है तो वर्ग यहां पर क्या है दैट इज अ वर्ब ही यहां पर क्या है दैट इज अ प्रोनाउन जो कि क्या है सब्जेक्ट है दो सम यहां पर क्या है एक नाउन है जो कि क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ राइट right. और नेक्स्ट क्या है क्विकली अब क्विकली क्या होगा यहां पर देखिए आपको जो है बताना है कि ये क्विकली वर्ड जो है किसकी विशेषता बता रहे हैं क्विकली क्या है? एक पर्सन के बारे में ये बता रहा है नहीं वर्ग के बारे में बता रहा है या फिर सम के बारे में सम क्विकली सम और क्विकली क्या क्विकली वर्ड सम शब्द की विशेषता बता रहे है उसकी क्वालिटी बता रहे नहीं ठीक है क्विकली जो वर्ड है बेटा वर्ब की क्वालिटी को बता रहे तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड क्या होते हैं एडवर्ब्स होते हैं राइट right? यहाँ पर जो एडवर्ब है वो किसकी क्वालिटी को बता रहे वर्ब की बता रहे नेक्स्ट है दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल क्या बोला ये जो फूल है ठीक है कैसा है सुंदर है ठीक है सुंदर तो है बट कितना सुंदर है फ्लावर क्या हुआ यहाँ पर नाउन हुआ ब्यूटिफुल क्या हुआ बेटा एडजेक्टिव राइट अब ये जो वर्ड लिखा गया है वेरी अभी किसके लिए यूज किया गया है फ्लावर के लिए यूज किया गया है या ब्यूटिफुल शब्द के लिए वेरी फ्लावर होगा या वेरी ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल ना राइट right? तो जो ये वेरी वर्ड है ये किसकी क्वालिटी को बता रहा है एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता रहा है तो यहां पर जो एडवर्ब है दैट इज एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव राइट नेक्स्ट देख लेते हैं शी प्रोनाउंसड नाउन सॉरी प्रोनाउन हुआ ये दैट इज योर सब्जेक्ट राइट प्रोनाउंस्ड मतलब क्या हुआ वर्ब हुआ द वर्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली ठीक है यहां पर अब ये देखिए दो वर्ड रह गए हैं कौन कौन से क्वाइट और करेक्टली राइट वर्ड हमें पता है 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 दैट इज एन ऑब्जेक्ट ठीक अब जो ये करेक्टली वर्ड किसके लिए यूज किया गया होगा क्या शी के लिए या प्रोनाउंस के लिए करेक्टली करेक्टली प्रनाउंस करना राइट right? तो यहां पर जो वर्ड है ठीक है प्रनाउंसड इज अ वर्ब राइट करेक्टली जो शब्द है यहाँ पर क्या है एडवर्ब है ठीक है क्योंकि की विशेषता बताने की जो कैपेबिलिटी है वो किसके सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के अंदर है राइट right. अब इस एडवर्ब के आगे भी एक और वर्ड लगाया दैट इज क्वाइट ठीक है क्या बोला शी प्रनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली काफी हद तक करेक्ट बताया ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि ही रंस फास्ट ठीक है वो तेज भागता है ठीक है भागने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया फास्ट वर्ड का यूज किया राइट right. अब मैं बोलूं कि क्वाइट फास्ट यानी कि कुछ ज्यादा ही राइट right. तो यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर जो एडवर्ब है दैट इज क्वाइट हम बात कर रहे हैं क्वाइट की तो क्वाइट जो एडवर्ब है वो क्या कर रहा है एक दूसरे एडवर्ब को यहां पर क्वालिफाई कर रहा है जो कि कौन सा है करेक्टली है ठीक है तो क्वाइट जो की एक एडवर्ब है uh, पहचानने की जो खासियत है वो क्या है बेटा आप एलवाई वर्ड का यूज देखेंगे last में. Most of them have ly, लास्ट में मोस्ट ऑफ देव एलवाई ठीक है लास्ट में राइट जैसे करेक्टली हुआ Quickly हुआ राइट right? अब यहां पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बता रहे राइट right? तो सिर्फ, सिर्फ वर्ब की क्वालिटी को नहीं एक adjective की, और किसी दूसरे की भी quality को बता सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वी है क्या होते हैं हमने जान लिया सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है राइट right? और हमने वर्ब्स के बारे में भी जाना ठीक है यही हमारा वर्ड ऑफ ऑर्डर है अब जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेर इज अओ इन गार्डन ठीक है तो देअर क्या ये आपका नाउन होगा नहीं ठीक है इज अ है क्या बोला है देर इज अओ देअर जो है बेटा वैसे तो प्रोनाउन है क्या है प्रोनाउन है ठीक है हम इसको छोड़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या बोला है इसको भी छोड़ते हैं। बहुत बिल्कुल और भी आसान सेंटेंस पर आ जाते हैं दैट इज द मैन द मैन इज सिटिंग सिटिंग अंडर अंडर द ट्री ठीक है क्या बोला द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री ठीक है द मैन जो वर्ड है दैट इज वट दैट इज इन नाउन राइट ये क्या है आपका सब्जेक्ट है राइट right? नेक्स्ट है इज सिटिंग दैट इज अ वर्ब राइट नेक्स्ट क्या है अंडर अभी इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो रह गया दैट इज द ट्री राइट जो कि एक नाउन है और वर्ब के बाद में आ रहा है तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट राइट तो यहाँ क्या बोला है द मैन इज सिटिंग अंडर वर्ड को अगर हम हटा दें द मैन इज सिटिंग द ट्री ठीक है, द मैन इज सिटिंग बैठ रहा है एक तो हुआ बै, बैठना राइट तो क्या वो पेड़ बैठ रहे नहीं राइट जब हमने अंडर वर्ड लगाया अंडर वर्ड लगाते ही हमें समझ में आ गया कि एक पेड़ है एक पेड़ है और उसके नीचे जो है एक पर्सन बैठा हुआ है, है ना तो एक सब्जेक्ट है दोनों ही कहने को नाउन है बट एक यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है एक क्या है ऑब्जेक्ट है राइट दोनों का यहाँ पर जो है हमें रिश्ता पता चला ठीक है अब ये पर्सन जो है देखो पेड़ के ऊपर भी हो सकता था ये नीचे बैठा है है ना तो एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करने के लिए वर्ड क्या यूज किया अंडर यूज किया हमने अगर होता द मैन इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है राइट तो अंडर ऑन इन आउट ये सब जो जितने भी चीजें हैं बेटा इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं वी कॉल देम प्रेपोजिशन ठीक है प्रेपोजिशन preposition. का काम क्या होता है प्रेपोजिशन का बेसिकली काम होता है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को बताना और ये जो इनका रिलेशन है बेटा ये तीन चीजों पर हो सकता है तीन चीजों पर बेस हो सकता है ये और वो कौन कौन सी है तीन चीजें हैं पहला तो हुआ डायरेक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल द मैन जम्प इनटू द रिवर ठीक है राइट डायरेक्शन हुआ अक्रॉस नेक्स्ट हुआ टू वर्ड्स ठीक है सो ये सब वर्ड्स क्या है बेटा डायरेक्शन को जो है शो करते हैं एंड दे आर एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है टाइम टाइम an के लिए भी यूज किया जाता है जैसे कि ऑन सेवन ए एम ठीक है एट आफ्टरनून एंड इन दिनिंग या इन द मॉर्निंग जो भी हुआ नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट है पोजिशन ठीक है पोजिशन में क्या हुआ पोजीशंस में आ गया जैसे कि अंडर ठीक है ऑन बिलो अब अपॉन एंड सो ऑन जो पोजिशन को बताते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की पोजिशन क्या है ठीक है ग्लास हैज बिन केप्ट ऑन द टेबल टेबल के ऊपर रखा हुआ है राइट तो टेबल और ग्लास दोनों का रिलेशन उनकी इनकी पोजिशन के बेसिस पर यहाँ बताया है राइट तो प्रपोजिशन जो है बेटा मेनली इन तीन चीजों के बेसिस पर एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन को बताते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं और कौन कौन से हैं देयर इज अव इन द गार्डन The girl is fond of music, right? A fair little girl sat under a tree, right? तो इन सभी का जो है different use है yahan पर देखिए क्या है In बताया In जो है वो place को show कर रहा है Next क्या है of of क्या हुआ बेटा किसी चीज का राइट तो यहाँ पर लिंक शो करने के लिए यूज किया गया है ऑफ वर्ड का ठीक है fond ऑफ म्यूजिक राइट तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए जो है ऑफ का यूज किया गया है ठीक है नेक्स्ट हैिटिल गर्ल अंडर ट्री तो ये भी जो है पोजीशन को ही शो कर रहा है ठीक है कि दोनों जो है पोजीशन के बेसिस पर इन दोनों का रिलेशन क्या है ठीक है यहां पर आपको प्रोनाउंस क्लियर हो गया नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन ठीक है कंजंक्शंस बेटा क्या होते हैं कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कनेक्टर्स क्या बोलते हैं कनेक्टर्स जिनका काम क्या होता है कनेक्ट करने का जोड़ने का राइट right? जंक्शन क्या हुआ जैसे रेलवे जंक्शन आपने सुना होगा यानी कि किसी एक पॉइंट पर जब सारी चीजें मिलती है कंजंक्शन क्या हुआ द थिंग दैट जॉइंस डिफरेंट थिंग्स टुगेदर ठीक है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कंजंक्शन बोलते हैं अब ये जो कंजंक्शंस हैं बेटा ये वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि यहां पर एंड जो है कंजंक्शन है राइट right? यहां पर दो वर्ड है रामा एंड हरी ठीक है दोनों जो है ये क्या है वर्ड्स है राइट right? तो यहां पर वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने कंजंक्शन का यूज किया नेक्स्ट है टू एंड टू मेक फोर राइट यहां पर क्या है हमने अगेन टू एंड टू इनको जो है ज्वाइन करने के लिए यहां पर एंड वर्ड का यूज किया अब यहां पर देखिए आई रन फास्ट बट बस ठीक है आई रन फास्ट क्या है एक सेंटेंस है मिस द बस इज अनदर सेंटेंस तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बट का यूज किया गया है तो काफी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि दो हो सकता है ठीक है टिल और बेकस एंड एट्सेट्रा काफ़ी सारे जो है कंजंक्शंस होते हैं इसको भी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना बताना मत भूलना ठीक है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी इंटरजेक्शन ठीक है इंटरजेक्शन क्या होते हैं अब सपोज करो कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना अपना फेवरेट पिज्ज़ा आपने ऑर्डर किया ठीक है ऑर्डर करा आपको रिसीव हुआ आपका ऑर्डर आपने उसे ओपन किया एंड अनफॉर्चुनेटली जो खाना था वो गंदा था राइट right? उसको देखते ही जो है आपका रिएक्शन निकला छी या फिर हम इंग्लिश में बोले यक ठीक है यू हुआ यक या फिर याइक्स और भी अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि जीस जीज यानी कि जीसस क्राइस्ट ठीक है ओ गॉड ओ या ओ गॉड ठीक है तो जो कोई भी चीज अगर होती है कोई भी इंसिडेंट होता है या इवेंट होता है उसके लिए जो आपका सडन एक्सप्रेस करते हैं आप अपनी फीलिंग को या सडन रिएक्शन देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन ठीक है अब जैसे कि मानो वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया हुर्रे राइट तो दैट इज व्हाट कि आपने जो है अगेन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया विद अ सडन बर्स्ट राइट तो हम एक्साइटेड होकर जब कोई किसी तरह का रिएक्शन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट इंटर इंटरजेक्शन जैसे कि हुर्रे वी वॉन्ट द गेम अल्लास अब अल्लास जो वर्ड है बेटा सैडनेस के लिए यूज किया जाता है ठीक है हैप्पी होने के लिए क्या यूज किया जाता है राइट तो इंटरजेक्शन जो है वो किस लिए आप के लिए, के लिए किसी भी तरह के जो है रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं राइट सो इंटरजेक्शन आर बेसिकली व्हाट वर्ड्स दैट एक्सप्रेसिस योर सडन फीलिंग ठीक है हुआ right? so, हुआ यक हुआ, जीज हुआ, हुरे हुआ, राइट सो आर आर वर्ड इंटरजेक्शन ठीक है तो यहाँ पर जो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो जाते हैं नेक्स्ट वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो कुछ जो है उनको हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कह रहा है कि इसमें से जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी होती है जो एक वर्ब को एडजेक्टिव को और एडवर्ब को तीनों को ही जो है एक्सप्रेस करने की ये कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता है राइट right? चार ऑप्शंस है यहाँ पर पहला है वर्ब सेकंड है एडजेक्टिव थर्ड है एडवर्ब एंड फोर्थ वन हैपोजिशन है? आपको बताने कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच जो है एक को 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 और एक्सप्रेस करती है देखो first option दिया है राइट तो, right? तो यानी कि आपका ऑप्शन नहीं होगा नेक्स्ट है एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो है बेटा किसको एक्सप्रेस करता है That is noun and pronoun. नाउन्स और प्रोनाउन्स को एक्सप्रेस करने का काम किसका होता है एक एडजेक्टिव का होता है नेक्स्ट अब दो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं दैट इज एडवोव एंड प्रपोजिशन देखो प्रपोजिशन का काम क्या होता है प्रपोजिशन का काम होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को दिखाना इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन पोजिशन एंड डायरेक्शन पोजिशन एंड टाइम राइट तो ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर नहीं होगा तो बेटा इस क्वेश्चन uh, का जो सही आंसर है वो क्या है एडवर्ब है क्योंकि एडवर्ब ही ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक एडजेक्टिव को, uh, को और वर्ब को और एडवर्ब को जो है एक्सप्रेस कर सकता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप्स आपको बताना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है कनेक्ट करता है यानी कि कनेक्ट करने का काम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का होता है पहला बोला है प्रपोजिशन सेकेंड है एडवर्ब थर्ड है इंटरजेक्शन एंड फोर्थ वन इज प्रोनाउन अब देखिए प्रपोजिशन क्या होता है लास्ट क्वेश्चन में हमने समझा जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को शो करता है राइट right? का एडवर्ब का काम क्या होता है एडवर्ब का, का काम होता है वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे किसी एडवर्ब को एक्सप्रेस करने का राइट नेक्स्ट ऑप्शन रह गए हैं इंटरजेक्शन एंड प्रोनाउन प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करना तो सही आंसर बेटा क्या होगा यहां पर ये यह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सॉरी इसको करेक्ट करते हैं इंटरजेक्शन का काम क्या होता है बेटा इंटरजेक्शन का काम होता है सडन रिएक्शन को एक्सप्रेस करना राइट सडन रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने का काम किसका है इंटरजेक्शन का है तो सही आंसर बेटा क्या होगा कंजंक्शन जो होते हैं कंजंक्शन ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो कि कनेक्ट करती है ठीक है कंजंक्शंस को हम क्या बोलते हैं वी कॉल देम कनेक्टर्स राइट कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं कनेक्टर्स होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं जैसे कि हुआ एंड हुआ बिकॉज हुआ राइट right? बट हुआ

Right? So, एक एक जगह लेता है उसको सब्सिट्यूट करता है substitute मतलब एक चीज की जगह दूसरी चीज का यूज करना राइट right? तो so, यहाँ पर अगर नाउन है तो नाउन को बेटा रिप्लेस करने की होती 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 है pronoun में होती है 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 में की तरफ चलते हैं है, ऐसी कौन सी part of speech होती है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है अभी जस्ट हमने समझा राइट right? वर्ब क्या है Verb बेटा किस चीज को शो करती है एक्शन या स्टेट को शो करती है एडवर्ब क्या करता है Verb और adjective और दूसरे किसी एडवर्ब को एक्सप्रेस करने का काम होता है लास्ट अब दो रह गए हैं दैट इज एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को शो करना हो क्या पोजीशन है उनकी इस चीज को शो करना राइट तो प्रपोजिशन भी नहीं होगा बेटा सही आंसर क्या होगा एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्रेस करती है बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करता है दैट इज एडवर्ब और वो भी किसको करता है सिर्फ और सिर्फ, और सिर्फ वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे किसी एडवर्ब को एक्सप्रेस करने का इनका काम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर I, we, she, they, him, और us. आपको बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं ये सब प्रोनाउन जो क्वेश्चन में दिए हैं जैसे कि I हुआ we हुआ she हुआ they हुआ him हुआ एंड us हुआ राइट right? अब बेटा इसमें हमने जो है सीखा था टेबल बनाकर सीखा था वहां पर हमने किसकी बात की थी हमने बात की थी ग्रामेटिकल पर्संस की राइट right? तो ये डिफरेंट पर्संस में आते हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्संस राइट तो ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं जिसमें आते हैं आई वी यू ही शी इट दे राइट और उसके ऑब्जेक्टिव ठीक है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं ये सारे सब्जेक्टिव है यानी कि इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं तो ये जो आपके प्रोनाउंस होते हैं कौन से होते हैं पर्सनल होगा रिफ्लेक्सिव होगा सब्जेक्टिव होगा या रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल में मिटा क्या होता है रेसिप्रोकल में होता है ईच अदर एंड वन अनादर ठीक है इसके अलावा कोई और आपको जो है प्रोनाउन देखने को नहीं मिलेगा रेसिप्रोकल में सब्जेक्टिव कौन सा होता है जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है बट क्वेश्चन में क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया हुआ है राइट तो आपका ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा सेल्फ और सेल्फ वाले होते हैं ठीक है सेल्फ और सेल्फ वाले जो होते हैं आपके प्रोनाउन उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं तो आंसर बेटा क्या होगा सही दैट वुड बी पर्सनल प्रोनाउन ठीक है पर्सनल प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस अ माइल्ड और सडन रिएक्शन ठीक है ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जो सडन रिएक्शन के लिए यूज की जाती है जैसे कि हुआ ओ यक ये सब जो है ठीक है इनको कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में हम कैटेगराइज करते हैं पहला है एडवर्ब जो कि वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट है नाउन नाउन आपको पता है दीज आर नेमिंग वर्ड्स तो क्या ये नेमिंग वर्ड्स है? नहीं है इंटरजेक्शन right? का right? तो राइट right? तो सही आंसर बेटा क्या होगा इंटरजेक्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन के आंसर आपके मैच करते जा रहे हैं मेक श्योर उन्हें जो है आप काउंट करते रहें मार्क्स देते रहें खुद को प्लस वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द प्लेसमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन वर्ड अनदर वर्ड ठीक है एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जो है ये डिस्क्राइब करता है डिस्टेंस को प्लेसमेंट को और प्रॉक्सिमिटी को प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा तो पोजीशन यानी कि यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है तो कौन सी ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच के पोजीशन को जो है डिस्क्राइब करती है कौन सी ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है दैट इज प्रीपोजिशन राइट प्रीपोजिशन में यही था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है वर्ड है राइट right? उन दोनों के बीच के रिलेशन को शो करता है इन द टर्म्स ऑफ देयर डिस्टेंस देयर प्लेसमेंट यानी कि जैसे कि हुआ द मैन सिटिंग अंडर द ट्री राइट द मैन एक वर्ड हुआ

एंड ही प्रोनाउन का यूज किया गया है और आर्टिकल हुआ राइट एरिगेंट क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ क्योंकि right? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं ठीक है मैन क्या है नाउन हुआ राइट right? प्रोनाउन यहाँ पर आपका ही है ठीक है तो ही जो आपका प्रोनाउन है वो कौन सा होगा सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा नॉट क्लियर या नॉन ठीक है देखिए सब्जेक्ट आपका होता है ही ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम होता है शी का ऐसे ही हो जाएगा हर ठीक है इट का इट ही रहता है आई का हो जाएगा मी राइट तो ये वाले कौन से हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी और ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव है राइट right? तो आपको बताना है कि जो प्रोनाउन है वो कौन से केस का है, सब्जेक्टिव का है राइट right? तो सही आंसर क्या होगा आपका द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन दैट इज सब्जेक्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर मी यहां पर दो लिखा हुआ है इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार यहां पर द नहीं आएगा यहां आएगा दे ठीक है, नहीं, देम आएगा। बोल रहा है टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर मी देम हर हेम एंड अस आपको बताना है अब ये सब कौन से हैं? ठीक है अभी तो हमने सीखा पीछे दैट इज ये वाले बोल रहे हैं, है ना तो इसका आपको बताना है कि कौन से पार्ट आ, कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउन है सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा या बोथ या नन ऑब्जेक्ट होगा राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी यहाँ पर जो है आफ्टर वर्ड दिया हुआ है आपको बताना है कि यह कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का है क्या ये एक प्रोनाउन है क्या प्रपोजिशन है या फिर एक वर्ब है देखिए वर्ब क्या होता है एक्शन को शो करता है या स्टेट को शो करता है या हैविंग को शो करेगा बट आफ्टर इसमें क्या ये सब शो कर रहा है नहीं तो वर्ब नहीं होगा नेक्स्ट रह गया है प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है नाउन की जगह लेने वाला वर्ड आफ्टर कोई प्रो, प्रोनाउन है नहीं प्रेपोजिशन वुड बी द राइट वन क्योंकि यहाँ क्या बोला है आफ्टर लंच यानी कि लंच के समय के बाद हम जो है कब जा, कहाँ जाएंगे कॉफी के लिए जाएंगे लंच का भी जो है टाइम फिक्स होता है एट अ वर्क प्लेस राइट तो बाद में यानी कि ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है एंड यहां पर बोल रहा है कि लंच के बाद कॉफी एक नाउन के बाद दूसरा नाउन राइट तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है इन द टर्म्स ऑफ टाइम राइट दैट्स वाई इसका सही आंसर क्या होगा प्रपोजिशन होगा नेक्स्ट है माय सिस्टर स्पीक्स गुड इंग्लिश विच वर्ड इज अ वर्ब अब यहां पर वर्ब क्या है माय सिस्टर ठीक है माई क्या है बेटा आपका ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ठीक है और ये क्या है नाउन अब ऐसा ही पॉजिटिव वाला हमने कुछ पढ़ा था दैट पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है प्रोनाउन क्या होगा इसका प्रोनाउन क्या होगा बोला है माई सिस्टर मैंने माई को पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों बोला क्योंकि सिस्टर जो नाउन है इसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं राइट प्रोनाउन कभी भी क्वालिफाई नहीं करता नाउन की जगह लेता है राइट right? आप पोजेशन भी दिखा रहे हैं और जब आप नाउन को रिप्लेस कर देते हैं यानी कि पोजेशन आप दिखा रहे हैं माई और जो नाउन दिया हुआ है ठीक है इसको जब आप रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से तो जो आपके पास नया वर्ड आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा माइन हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ दिस इज माई पेन मैं बोल सकती हूँ दिस इज माइन राइट तो आपको बताना है कि यहां पर जो वर्ब है वो बताना है राइट right? इंग्लिश क्या है इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट क्या है नाउन हुआ गुड क्या हुआ बेटा एडजेक्टिव हुआ राइट right? स्पीक्स क्या होगा यहां पर वर्ब होगा राइट सो ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव डिफरेंट जॉब्स डू वर्ब्स लाइक रन एंड लर्न डू कह रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के डिफरेंट जॉब होते हैं राइट right? जो कि हमने सीखा राइट right? आपको बताना है कि जो रन और लर्न है ये कि किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं पहला है एक्सप्रेस थिंग्स थिंग्स यानी कि नाउ लर्न हुआ और रन हुआ ठीक है दोनों ये वर्ड्स कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के हैं बेटा वर्ब्स के हैं है ना? तो क्या ये थिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या वर्ब किसी चीज को एक्सप्रेस करता है सिर्फ और सिर्फ एक्शन को एक्सप्रेस करता है राइट right? या स्टेट को एक्सप्रेस करता है यहां पर एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है राइट right? तो कौन सा होगा ऑप्शन टू वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट वर्ब्स का काम किसी चीज को किसी थिंग को किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करने का काम नहीं होता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ एक्शन स्टेट या हैविंग को एक्सप्रेस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स वॉच अ फनी मूवी ड इज अउन यहां पर आपको बताने की कौन सा वर्ड जो है नाउन है ठीक है लेट्स तो देखो होगा नहीं क्योंकि लेट्स कोई चीज नहीं है राइट वॉच क्या है यहां पर वर्ब है ठीक है अ क्या है आर्टिकल फनी क्या हुआ बेटा मूवी यहां पर नाउन है राइट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आपका वर्ड फनी राइट ये क्या होगा एबजेक्टिव आपको बताने नाउन क्या है दैट इज अ You like नेक्स्ट है डू यू लाइक योर न्यू टीचर आपको बताना है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव आपको एडजेक्टिव ढूंढना है ठीक है एडजेक्टिव का प्लेसमेंट बेटा किस रिस्पेक्ट में होता है नाउन या प्रोनाउन राइट right? कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्रेस कर रहा होगा दैट वुड बी योर एडजेक्टिव राइट डू क्या हुआ डू यू इज अ वर्ब राइट लाइक का मतलब क्या हुआ ये भी वर्ब हुआ डू आपका वर्ब है यू क्या है आपका प्रोनाउन है लाइक like, क्या हुआ वर्ब हुआ राइट right? नेक्स्ट है योर योर बेटा प्रोनाउन हुआ राइट right? नेक्स्ट है न्यू टीचर टीचर लास्ट में ई आर है दैट इज नाउन राइट को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर वर्ड न्यू ठीक है तो न्यू जो वर्ड है यहाँ पर क्या होगा एडजेक्टिव होगा क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है एक नाउन को क्वालिफाई करना सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आई ऑलवेज स्टडी हार्ड बिफोर अ टेस्ट आपको बताना है कि यहां पर एडवर्ब क्या होगा एडवर्ब का हमने सीखा एडवर्ब का काम क्या होता है बेटा वर्ब एडजेक्टिव या फिर अनोदोर एडवर्ब को एक्सप्रेस करने का काम होता है किसका एडवर्ब का आपको बताना एडवर्ब कहाँ है आई यहाँ पर क्या है दैट इज प्रोनाउन राइट ऑलवेज क्या हुआ बेटा हमेशा ऑलवेज क्या हुआ हमेशा टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है राइट right? तो ये क्या होगा प्रपोजिशन होगा नेक्स्ट है स्टडी स्टडी क्या हुआ बेटा वर्ब नेक्स्ट है हार्ड हमें नहीं पता क्या है बिफोर इज अ प्रपोजिशन एंड अ टेस्ट इज अ राइट hey, यहाँ पर देखो क्या बोला आई स्टडी हार्ड ठीक है ये जो हार्ड वर्ड है बेटा किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है क्या ये आई को एक्सप्रेस कर रहा है क्या ये स्टडी को एक्सप्रेस कर रहा है या फिर टेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है वो कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ बहुत मेहनत करके पढ़ता हूँ राइट right? तो स्टडी वर्ड को जो है यहां पर एक्सप्रेस कर रहा है राइट right? तो स्टडी क्या है बेटा वर्ब है वर्ब को एक्सप्रेस करने वाला कौन होता है एडवर्ब होता है राइट right? तो सही आंसर यहां पर क्या होगा दैट वुड बी ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट वॉज इंट डिफिकल्ट सो आई पास इजीली द वर्ड डिफिकल्ट इज वॉट आपको बताना है कि जो ये डिफिकल्ट वर्ड दिया है इस सेंटेंस में वो क्या है क्या बोल रहा है द टेस्ट टेस्ट डिफिकल्ट के बारे में कह रहे है कि डिफिकल्ट नहीं था यानी कि टेस्ट वर्ड को जो है ये क्वालिफाई कर रहे हैं अब टेस्ट जो वर्ड है बेटा क्या है दैट इज ए नाउन नाउन को क्वालिफाई करने वाली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगी वर्ब हो सकती है नहीं एडवर्ब होगी क्या एडवोब नाउन या प्रोनाउन को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता है एडवर्ब एडिव एंड एक वर्ब को एक्सप्रेस करने का काम है इसका राइट तो एडवोब भी नहीं होगा सही आंसर क्या होगा adjective. क्योंकि adjective जो है है वो किस चीज को एक्सप्रेस करता है, बेटा इट एक्सप्रेस नाउन एंड प्रोनाउन ठीक है याद रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से चलते हैं वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर सिक्स क्या बोल रहा है वेल well, तो चार ऑप्शन है बेटा इंटरजेक्शन प्रशन या प्रोनाउन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है क्या वेल ठीक है इंटरजेक्शन होगा क्या देखो प्रोनाउन तो होगा ही नहीं राइट right? क्योंकि वेल well जो है ये आई शी इन सबसे तो मेल नहीं खाता राइट right? तो ये तो होगा ही नहीं नेक्स्ट रह गया इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन ठीक है तो यहां पर सही आंसर देखो बेटा क्या होगा दैट वुड बी इंटरजेक्शन ठीक है कि वेल आई कैन से एनीथिंग राइट तो वेल well, यहाँ पर क्या है बेटा इंटरजेक्शन है क्योंकि ये सडन रिएक्शन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू गो टू अवर्सिटी इन दूनाइटेड स्टेट्स आपको बताना है कि एडजेक्टिव है प्रपोजिशन है या नाउन है ठीक है कौन सा वर्ड दैट इज यूनिवर्सिटी आपको बताना है एडजेक्टिव होगा प्रपोजिशन होगा या नाउन होगा यूनिवर्सिटी जो वर्ड है बेटा आई टी वाई पर एंड हो रहा है सो दट वुड बी ए नाउन राइट हमने अभी के बारे में सीखा था तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दस क्वेश्चन रिविजन हम कर लेते हैं जाते 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 जाते, जाते हम आ, सीख लेते हैं कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच में क्या सीखा है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो सीखा है कि हमारे जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेटा कितने होते हैं एट होते हैं ठीक है आठ होते हैं कौन कौन से एक बार लिख लेते हैं पहला है नाउन ठीक है नेक्स्ट है प्रोनाउन हमने सीखा ठीक है एडजेक्टिव फिर हमने सीखा वर्ब्स के बारे में देन वी लर्ट एडवर्ब्स उसके बाद क्या सीखा था कंजंक्शंस नहीं प्रेपोजिशन सीखा था प्रपोजिशन नेक्स्ट कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन्स राइट नाउन क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन नाउन की जगह लेते हैं राइट यही सब सीखा था एक बार लिख भी लेते हैं ठीक है नाउन्स क्या करते हैं बेटा नेमिंग वर्ड्स होते हैं ठीक है प्रोनाउंस क्या करते हैं रिप्लेसेस नाउन ठीक है एडजेक्टिव क्या करते हैं क्वालिफाई करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को ठीक है जो वर्ब्स है बेटा एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हुआ हो या किसी भी चीज की स्टेट को एक्सप्रेस करने का काम होता है ठीक है एडवर्ब्स जो होते हैं वो तीन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज वर्ब्स ठीक है एडजेक्टिव्स एंड अनदर एडवर्ब्स राइट नेक्स्ट है प्रपोजिशन प्रपोजिशन क्या करते हैं बेटा डी को बताते हैं यानी कि डेट सॉरी डेट कह रही हूं डायरेक्शन क्शन ठीक है टाइम एंड प्लेस के रेस्पेक्ट में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को बताते हैं ठीक है नेक्स्ट कंजंक्शंस होते हैं आपके कनेक्टर्स ठीक है एंड इंटरजेक्शन क्या होते हैं सडन रिएक्शंस, ठीक है आई होप आप सभी को जो है क्लियरली पार्ट ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और कैसे जो है हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो दैट्स ऑल्व फॉर टूरी रे गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक विद्यू चैप्टर टिल